एबी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फेट मूवी के बारे में, जो एक रोमांटिक और कॉमेडी मूवी है। तो कहानी शुरू होती है सर्दी के मौसम से, जहां एक लड़का जिसका नाम ग्रिफिन है, उसकी नींद खुल जाती है और वह अपने अलार्म क्लॉक को बंद करने लगता है। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्गो होता है, वह भी अपने नींद से उठ जाती है और अलार्म क्लॉक को बंद करने लगती है। आज रात को उन दोनों को डेट पर जाना होता है। वह तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वह अपने अपने घर से निकल जाते हैं। दोनों अपने घर से निकलते वक्त अपने घर की चाबी वह गमले के नीचे रखते हैं। रास्ते पर ग्रिफिन को उसके मॉम का कॉल आता है और वह उससे पूछती है कि तुमने रिंग ले ली कि नहीं। तो ग्रिफिन बोलता है कि मैं लंच के बाद रिंग ले लूँगा। इसके बाद हमें ग्रिफिन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ ग्रिफिन कॉफ़ी दे रहा है। तभी उसका एक दोस्त उससे बातचीत करता है। वह उससे बोलता है, तुम एक हॉट लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो। तो वह बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वह एक अच्छी लड़की है। और वह यह बात बोल के वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मार्गो भी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आके बात करने लगती है और बोलती है कि तू उस लड़के को प्रपोज क्यों कर रही है, जो आज तक तेरे दोस्तों से ना तेरे फैमिली से मिला है। तब मार्गो बोलती है कि वह अपने ब्लैक बेल्ट के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए उसे टाइम नहीं मिलता। दूसरी तरफ मार्गो के बहन के एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है, जहां मार्गो एक शॉप में अपने ड्रेस की फिटिंग दे रही है। तभी उसकी बहन और वह दोनों एक्स बॉयफ्रेंड के बात करते हुए बहस करने लगती हैं। तभी उनकी मॉम उन्हें एंगेजमेंट तक न लड़ने की बात बोलती हैं। दूसरी तरफ ग्रिफिन रिंग की शॉपिंग कर रहा है, जहां उसकी मॉम आ जाती है और वह कहती है कि तुम्हारी यह पहली प्रपोजल है, तो तुम मुझे अपनी प्रपोजल स्पीच सुनाओ। तब ग्रिफिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब उसकी मॉम कहती है, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। वह बोलता है, मैं अपनी मॉम को प्रपोज नहीं कर सकता। तभी उसकी मॉम बोलती है, प्रपोजल स्पीच एक ऐसी स्पीच होती है जो एक औरत के लिए बहुत स्पेशल होता है। तभी ग्रिफिन मान जाता है और अपनी मॉम के साथ प्रपोजल की प्रैक्टिस करता है। यह देखकर शॉप के सभी लोग तालियां बजाते हैं और ग्रिफिन रिंग को खरीद लेता है। इसके बाद हमें एक बार दिखाया जाता है, जहां ग्रिफिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया होता है। तब हमें पता चलता है कि जो ग्रिफिन की गर्लफ्रेंड है वो मार्गोट नहीं बल्कि कोई और लड़की है, जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। और उसी बार में मार्गोट भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई हुई होती है। दरअसल इस दृश्य को हमें इस तरह दिखाया जाता है, जैसे ग्रिफिन और मार्गो एक दूसरे के साथ डेट पर आए हैं और आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। इसके बाद ग्रिफिन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम क्लेमेंटाइन है उसके साथ आया होता है। अचानक एक लड़की क्लेमेंटाइन के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए बोलती है, क्योंकि वह बहुत फेमस होती है। फ़ोटो लेने के बाद ग्रिफिन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है और वह हाँ बोल देती है, लेकिन वह उसे कुछ दिन बाद फिर प्रपोज करने के लिए बोलती है, क्योंकि वह अपने फॉलोवर के सामने यह सब दिखाना चाहती थी। इससे ग्रिफिन नाखुश होता है और उसके गर्लफ्रेंड के बीच झगड़ा हो जाता है। क्लेमेंटाइन वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्गो और उसके बॉयफ्रेंड का भी ब्रेकअप हो जाता है, जहाँ मार्गो उस बार से बाहर आ जाती है और वह जैसे ही टैक्सी का दरवाज़ा खोलती है कि तभी क्लेमेंटाइन उस टैक्सी में बैठकर चली जाती है। यह देखकर मार्गो का दिमाग ख़राब हो जाता है। इसके तुरंत बाद ग्रिफिन बाहर आ जाता है। वह मार्गो से पूछता है कि उसने किसी लाल बाल वाली लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। तभी मार्गो उसे बोलती है, हाँ, वह बदतमीज़ मेरी टैक्सी में बैठकर चली गई। ग्रिफिन उसे इस बात के बारे में माफ़ी मांगता है। वह उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। मार्गो बोलती है, यदि तुम्हारे पास रिंग है तो कर दो। यह बोलकर वह टैक्सी में बैठकर चली जाती है। यहाँ ग्रिफिन यह बात सुनकर कन्फ्यूज़ हो जाता है। और अगली सुबह मार्गो को उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ वह उससे पूछती है कि क्या किम्प ने उसे प्रपोज किया। तभी मार्गो उनसे झूठ बोल देती है और कह देती है, हाँ, उसने प्रपोज किया। यहाँ किम्प मार्गो के बॉयफ्रेंड का नाम होता है। तभी वह अपनी मॉम को बोलती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम पे आ जाएगी।
दूसरी तरफ ग्रिफिन फ्रेश होकर घर से निकलने ही वाला होता है कि अचानक क्लेमेंटाइन आ जाती है और वह उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगती है और उसे पार्टी के लिए एक कोट गिफ्ट करती है। और उससे बात करते करते उसकी नज़र उसके ब्रश पर चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ग्रिफिन ने उसका ब्रश यूज़ किया है। वह उसे बताती है कि उसे कुछ चीज़ शेयर करना पसंद नहीं है। अगले ही दृश्य में ग्रिफिन अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा होता है, जहां वह बहुत शराब पी लेता है और घर पर जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ मार्गो भी अपने घर पर वापस आ जाती है। वह बहुत थकी हुई होती है। वह सोने जा रही होती है कि तभी उसका सर ग्रिफिन के बॉडी पर लगता है और वह ज़ोर से चिल्ला कर उठ जाता है, जहां ग्रिफिन को पता चलता है कि वह गलत घर पर आ गया है। दरअसल उसका और मार्गो का एड्रेस लगभग सेम ही होता है। उन दोनों के बीच काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे दोनों अपने घर की चाबी गमले के नीचे रखते हैं और उन दोनों के पास एक आंख वाला टॉय भी होता है। मार्गो घबराकर पुलिस को कॉल करती है, जहां ग्रिफिन बोलता है, मैं यहां गलती से आ गया हूं। तब मार्गो शांत होकर कॉल कट कर देती है। इसके बाद वह एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जहाँ ग्रिफिन को याद आता है कि मार्गो वही लड़की है जो उस रात को बार के बाहर मिली थी। तभी किम वहाँ आ जाता है और ग्रिफिन को वहाँ देखकर नाखुश होता है और उसे दोबारा न दिखने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। ग्रिफिन भी वहाँ से जाने लगता है कि तभी मार्गो से पूछती है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके सिस्टर की एंगेजमेंट में चलेगा। दरअसल मार्गो के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है एंगेजमेंट की तैयारियों का, जिससे सुनकर ग्रिफिन हाँ बोलना चाहता था, लेकिन वह मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस आता है और वह मार्गो को बोलता है कि उसे 8 बजे कहीं और पहुँचना है। दरअसल वह उसके साथ एंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर मार्गो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद वह ग्रिफिन को बताती है कि किम्प बनकर उसको उसके साथ चलना है। मार्गो ने अपनी फैमिली को बताया होता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड किम के साथ आएगी और किम को आज तक उसके परिवार वालों ने नहीं देखा होता है। मार्गो ग्रिफिन को किम के बारे में सब बता देती है कि वह ब्लैक बेल्ट है और वह कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करता है, और वह अपना ब्रश ग्रिफिन को ब्रश करने के लिए दे देती है, जिसको देखकर ग्रिफिन को अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वह समझ जाता है कि मार्गोट ही वह लड़की है जो उसे ज़िंदगी में चाहिए। इसके बाद वह किम का सूट पहन लेता है जो मार्गो किम के लिए लाई होती है। इसके बाद वह घर से निकल जाते हैं। रास्ते में वह एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी मार्गो उसे दुकान पर रुकने के लिए बोलती है, जिस वजह से ग्रिफिन हड़बड़ी में ब्रेक लगाता है, जिससे गाड़ी बर्फ में फिसल जाती है। वह बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि शॉप बंद है। तभी मार्गो शॉप की खिड़की से अंदर जाकर अपना गाउन ले आती है। जैसे ही वह वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी गाड़ी ठंड की वजह से बंद हो जाती है। वह पैदल ही जाने का फैसला करते हैं। वह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने घोड़ा गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है। वह उस घोड़ा गाड़ी की तरफ दौड़कर उसे रुकवाते हैं। उस घोड़ा गाड़ी में 2 ओल्ड कपल जा रहे होते हैं, तो वह लोग उन्हें लिफ्ट दे देते हैं। उन 2 ओल्ड कपल की आज मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो मार्गो और ग्रिफिन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और मार्गो ओल्ड लेडी के पिंक जैकेट को देखकर उसकी तारीफ़ करती है। तभी वह ओल्ड लेडी बताती है कि यह जैकेट उसके लिए बहुत लकी है। दरअसल इस जैकेट की वजह से ही वह ओल्ड कपल एक दूसरे से मिले थे। यह बात वह उन्हें बताते हैं। तभी उनका स्टॉप आ जाता है और वह ओल्ड कपल मार्गो को अपना पिंक जैकेट दे देते हैं। वह ओल्ड लेडी मार्गो के कान में बोलती है कि इस लड़के को जाने मत देना। अगले ही दृश्य में हम देखते हैं कि वह एंगेजमेंट में पहुंच गए हैं, जहां मार्गो ग्रिफिन को सबसे मिलवाती है। तभी मार्गो की फ्रेंड उसे थप्पड़ मार देती है। वह किम को बुरा आदमी समझती है। तभी मार्गो बोलती है, ये वो किम नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रही हो। मार्गो बहाना बनाने लगती है। तभी एंगेजमेंट स्टार्ट होती है, जहाँ दोनों कपल आ रहे होते हैं कि तभी अचानक लाइट चली जाती है और सभी परेशान होने लगते हैं। सब ग्रिफिन से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वह एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर है जो किम्प है। तभी बहुत सारे ओरेंज वह मंगवाता है। सभी
उस ऑरेंज को दिए की तरह बनाकर इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके बाद फिर से एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो जाती है और कपल के रिंग पहनाते ही लाइट वापस आ जाती है। सभी ग्रिफिन को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद मार्गो अपनी फ्रेंड को, जिसने ग्रिफिन को थप्पड़ मारा था, सब सच बता देती है। इसके बाद क्लेमेंटाइन ग्रिफिन को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। तभी मार्गो के रिलेटिव उसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुलाते हैं। तभी क्लेमेंटाइन समझ जाती है और वह गुस्से में कॉल काट देती है। इसके बाद सब फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर ग्रिफिन और मार्गो डांस करने लगते हैं। तभी असली किम्प वहाँ आ जाता है और वह ग्रिफिन से बहस करने लगता है और दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें किम्प ग्रिफिन को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी उसके जेब से रिंग का बॉक्स निकलकर गिर जाता है और मार्गो को पता लग जाता है कि ग्रिफिन आज क्लेमेंटाइन को प्रपोज करने वाला है। यहाँ सभी लोगों को मार्गो के झूठ का पता लग जाता है। वहीं मार्गो ग्रिफिन से इस सब के लिए माफ़ी मांगती है कि तभी ग्रिफिन कहता है कि यह सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। यहाँ ग्रिफिन कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगा था कि तभी किम्प वहाँ आ जाता है और अपना सूट मांगता है। वह उसका पहना हुआ सूट उसे उतारकर वापस दे देता है और दोनों को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वह क्लेमेंटाइन के पास पहुँचता है, जहाँ वह उसे प्रपोज करने आया था। लेकिन उसे एहसास होता है कि मार्गो ही वही लड़की है जो उसकी ज़िंदगी में उसे चाहिए, और वह क्लेमेंटाइन को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्गो भी किम्प का प्रपोज़ल भी रिजेक्ट कर देती है। ग्रिफिन अपने घर आकर सो जाता है। तभी मार्गो वहाँ उसका बैग लौटाने आ जाती है और दोनों किस करने लगते हैं कि तभी क्लेमेंटाइन वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर रोने लगती है कि तभी ग्रिफिन उसकी मंगाई हुई चीज़ें लाने चला जाता है। तभी क्लेमेंटाइन मार्गो को ग्रिफिन के खिलाफ कुछ बातें बताती है, जिससे सुनकर मार्गो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद ग्रिफिन न्यू ईयर मनाने के लिए अपने मॉम और फैमिली से बार में मिलता है, जहाँ वह मार्गो के रिलेटिव को भी देखता है और सामने की ओर आते वक्त उसे वही पिंक जैकेट दिखती है जो ओल्ड कपल ने मार्गो को दी होती है। वह समझ जाता है कि मार्गो भी यही है कि तभी मार्गो उसके कंधे पर हाथ रखती है। वह पलट के देखता है तो वह मार्गो ही होती है और वह उसे गले लगा लेता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।